हमीरपुर जिला के अमरोह पंचायत के गांव चौकी के ग्रामीणों ने सड़क सुविधा न होने के चलते अपनी ही पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी कर जहां अपना रोष व्यक्त किया, तो वहीं आगामी पंचायत चुनावों में वोट मांगने आने से पहले उनके पूर्व में किए गए वायदों का जवाब तैयार करने की बात कही। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सड़क सुविधा जल्द मुहैया करवाए, अन्यथा गांव में वोट मांगने न आए। पंचायत अमरोह के गांव चौकी में सड़क की सुविधा कई सालों से न होने के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव को सड़क से जोड़ने वाले रास्तों की हालत दयनीय है और टूटी तंग पुली आए दिन हादसों को न्योता दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधि ने गत 3 साल से कोई भी रास्ता पक्का नहीं किया और न ही पुली की मरम्मत करवाई है। ग्रामीण पवन कुमार ने कहा कि अधिकतर युवा बाहरी राज्यों में काम करते हैं और गांव में महिलाओं को आए दिन टूटी तंग पुली व सड़क न होने के चलते परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि पंचायत ने गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए हैं, जिससे लोगों में रोष है। उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों में वोट मांगने के लिए गाँव में तभी आने दिया जाएगा जब सभी गाँववासी अपनी सहमति देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से गांव में कोई भी जनहित का काम पंचायत प्रतिनिधियों ने नहीं करवाया है। और मैं चंडीगढ़ में जॉब करता हूं, 4 दिन छुट्टी आता हूं घर, छुट्टी आने के बाद मतलब हम बाहर जॉब करते हैं। मेरे गांव के मैक्सिमम बंदे बाहर जॉब करते हैं और यहां पे लेडीज होती हैं घर पे। इस गांव में ना तो रोड की सुविधा है, ना रास्ते ढंग के हैं, ना कुछ है। और पंचायत ये नहीं पता कि पैसा खा रही है क्या कर रही है, पर ना रास्ते बनाती है ना कुछ करती है। और 3 साल से पूरी गिरी हुई है बिल्कुल, और पूरी कोई सेफ्टी नहीं है। कल को कोई हादसा हो जाता है, कौन जिम्मेवार होगा? पंचायत जिम्मेवार होगी, कौन उठाएगा उनके घर का खर्चा? अगर किसी को, किसी लड़के को किसी को चोट लग जाती है, मान लो मैं 3 महीने बाद अगर चंडीगढ़ से वापस आ रहा हूँ, तो भाई मैं रोड पे थोड़ा आधी रात को उतरूंगा। और पीछे से कोई बीमार हो जाता है तो लेडीज घर से उठा के लेके आएंगी उसको रोड पे मरीज को। पंचायत बताए ना, मैं 5 साल से क्या काम किया उन्होंने? हम ये चाहते हैं जो गवर्नमेंट रास्ते लगे हुए हैं वो बनने चाहिए, और जो ये पुली टूटी हुई है 3 साल से, इसको रिपेयर हो। इसका 3 बार पैसा वापिस जा चुका है, दूसरी बार पैसा वापिस जा रहा है। और पंचायत का ना प्रधान आया यहाँ पे देखने, ना उप प्रधान आया, ना पंच तक आया, सारे की सारी पंचायत बाहर बैठी हुई है। किसी को ये नहीं है, किसी को ये फिक्र नहीं है कल को किसी को चोट लग जाएगी कौन जिम्मेवार होगा। कि इस पंचायत, इस गाँव में आने से पहले 10 बार पहले सोच लिया जाए कि हमने वोट मांगने जाना है। अगर आना होगा तो सही तरीके से यहाँ बाहर इस पुली से पीछे खड़े हो गए, पहले पूरे गांव की परमिशन होगी जो भी बंदा वोट मांगने आएगा। अगर हमारे गांव में काम नहीं करना है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी पंचायत, ना मेंबर चाहिए ऐसे। 3 साल में ना प्रधान आया यहाँ पे, ना उप प्रधान, ना वार्ड पंच, जिनको ये नहीं दिख रहा कि पुली गिर गई है, किसी का नुकसान हो जाएगा, किसी का बच्चा गिर के मर जाएगा इस पुली से। तो हमें या तो बीडीओ दफ्तर हमें सोल्यूशन करके दे। अगर बीडीओ दफ्तर नहीं दे सकता है तो हम लोग डीसी के पास जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। और ये हमें सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हम लोग रहते हैं बाहर और फैमिली होती है घर में, लेडीज हैं घर पे, कौन घर से उठा के लेके जाएगा मरीजों को? किसी को चोट लगी कौन उसका खर्चा उठाएगा आगे? टोटल के टोटल लड़के प्राइवेट नौकर हैं। शशि कुमारी ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि गांव में गर्भवती महिलाओं व बीमार व्यक्ति को सड़क तक लेकर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इस बारे में बार बार पंचायत प्रतिनिधियों को अवगत करवाने के बावजूद भी कोई भी काम नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान बार बार काम को टालने के बहाने बनाकर विकास नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गांव के रास्तों को पक्का किया जाए और सड़क सुविधा प्रदान की जाए। मेरी समस्या ये है कि अभी ये यहाँ गांव को तीन सड़कें लागू हैं, एक भी रास्ता नहीं बनता है। यहाँ से एक रास्ता जो पुली पे जाने वाला, वो भी आजकल बिल्कुल 2 सालों से बैठा हुआ है ये रास्ता। आने जाने की इतनी प्रॉब्लम, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, जा नहीं सकती, आज भी बेडों पे उठा उठा के लेके जाते हैं उनको। अगर कोई बंदे हों तो ठीक है, नहीं तो उनको औरतें पकड़ पकड़ के लेके जाती हैं। और कागजों में जो रास्ता है वो भी नहीं बनता। और जो जब भी यहाँ से काम होता है तो प्रधान बोलता है कि पैसा आ गया, पैसा आ गया है। जब काम शुरू होने की बात होती है तो बोलते हैं भी पैसा वापस हो गया। कहाँ जाता है वो पैसा? वो बोलते हैं अगली पंचायत करके हमारा टर्नओवर खत्म है। जब उनको वोट चाहिए होते हैं, हाथ जोड़ के आ जाते हैं, हमें वोट दो। और जब वोट हम बना देंगे, बस हमें प्रधान बनाओ, हम सड़क भी बना देंगे, हम रास्ते बना देंगे। इस गाँव को चारों तरफ से जाओ आप, एक रास्ते में भी नहीं जा सकते आप। बच्चे नहीं जा सकते, बूढ़े नहीं जा सकते। ये एक भी रास्ता नहीं है जिसमें से आप आसानी से जा सकते हो। बारिशों में आजकल तो देखो आप, ये हाल इस पुली का बिल्कुल ही ढह गई, कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता।
यही हमारी समस्या है। बस हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि जो कम से कम जो कागजों में लगे हैं रास्ते वो तो बनाए हमें। जो लोग बनने नहीं देते वहाँ पे आके अपनी एक बार राउंड मारे, यहाँ पे आके देखें रास्ते चारों तरफ से कि कैसे कैसे बिल्कुल भी नहीं जाया जाता। बस यही गुजारिश है हमारी कि एक बार निरीक्षण किया जाए हमारे गाँव का और जितने भी रास्ते उनका निरीक्षण किया जाए कि कहाँ से कौन सा रास्ता ये है और फिर हमें रास्ते बनाए, हमें सड़क बनाई जाए। बस स्थानीय निवासी बंटी ने कहा कि गांव के पुली व रास्तों की हालत दयनीय है और कोई भी काम पंचायत द्वारा इनको सुधारने के लिए नहीं किया गया, जिससे सभी में रोष है और जल्द से जल्द बजट मुहैया करवाकर इनको ठीक किया जाए। यहां पे 3 साल हो गए पुली गिरी हुई है, बच्चे पूरे परेशान हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, सब बूढ़े बाढ़े सब परेशान है, ना कोई जवान लड़के इधर उधर से नालियों से गुजर के निकल जाता है, बाकी बूढ़े बच्चे सब परेशान है। 3 साल से नालियाँ गिरी हुई है, यहाँ पे कोई ना पंचायत का कोई मेंबर आता है यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ की जनता विलेज के लोग कितने परेशान हैं। मुरो पंचायत मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे सब लगाना चाह रहे हैं इस टाइम। ये पुलिया जल्दी से जल्दी रिपेयर किए जाए और यहाँ पे इस पुलिया का 2 बार पैसा आ चुका है, 2 बार पैसा वापस जाने वाला, यहाँ की पैसा तक सरकार का पैसा आ भी गया उसको यूज नहीं किया जा रहा है। ऐसी है यहाँ के मुरो पंचायत और प्रधान के नाम से तो इधर हमने मतलब गांव में प्रतिबंध कर दिया है कि प्रधान का आना ही बिल्कुल प्रतिबंध है यहाँ पे।